क्योंकि तैयारी होगी, ये देखिए घर कब आओगे। मजा ही आ जाता है भाई रामू भाई के हाथ का खाना खा के। तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पूरन। आजकल लोग पहाड़ों में घूमने के साथ साथ कैंपिंग जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का भी लुत्फ़ उठाना पसंद कर रहे हैं, और ऐसे में घुमक्कड़ सैलानी तो कैंपिंग का लुत्फ़ उठाने के लिए उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में अधिक से अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं। अगर आप भी कुछ इसी तरह का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ जंगल कैंपिंग के अलावा सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग और बोन फायर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सफर को। मैं जब तक जाऊंगा ना तब तक यार रहेगा मेरे को। हां, अगर मैं मेरे को तब रहती ना चीजें यार, जब मैं खुद उसकी जिम्मेदारी लूं। लाइक जैसे अभी है, ये गए, इन्होंने कहा कि यार इतने लोग मेरे साथ हैं, सबको बताना भी है और वीडियो भी बनानी है, और हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, वीडियो बनानी है, हमें तो जाना है, एंजॉय करना है। उस समय तो मेरे को याद हुआ जब इनने मेरा इंट्रो लिया, वहां मैं भूल गया उसको इंट्रो। दोस्तों फिर से एक बार आपको एक अनप्लान ट्रिप पर ले चल रहे हैं, और अभी हम रानीखेत से मच्छखाली आ गए हैं। मच्छखाली से जो शानदार नज़ारा आपको हिमालयन माउंटेन का दिखता है, देखिए इस तरफ ठीक सामने को दुनागिरी माउंटेन है, फिर उसके बाद पांडुखोली, भटकोट जो अल्मोड़ा का सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन कह सकते हैं भटकोट को, और इस तरफ को कुमाऊँ हिमालयन दिख रहा है। हालांकि गढ़वाल हिमालय अभी बादलों के पीछे या धुंध के पीछे दिख नहीं रहा है। कुमाऊँ हिमालय में भी हमें जो है नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा घाट, मैकतोली और जिस तरफ को हम गए थे राजरंभा, वो ठीक सामने दिख रहा है, और उसके बगल में देखिए पंचाचूली यहाँ से दिख रही है, और कुछ कुछ नेपाल हिमालय भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो गगास वैली का नज़ारा दिख रहा है ना, वो दोस्तों बहुत ही अद्भुत है, क्या शानदार। और नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया और पौड़ी, ये तीन प्लेसेस ऐसे हैं जो मिडिल हिमालय के हैं, यहाँ से आपको ये हिमालयन माउंटेन दिखते हैं। और सर्दी में सबसे ज़्यादा मौसम क्लियर रहता है, तो विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है सर्दियों में, बाकी टाइम में आपको बारिश के टाइम में आपको बादल मिल जाएंगे, तो व्यू सुबह ही ब्लॉक हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आज की कैंपिंग मज़ेदार होने वाली है, तो आज की कैंपिंग आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कोरीछीना, ये वो जगह है जहां से ये जो सामने वाली रोड आपको दिख रही है ना, ये जाती है बगवाली पोखर के लिए, और जो पीछे जिस रोड से हम आए हैं इस तरफ को, ये रोड जाती है रानीखेत के लिए, और ये सीधे सामने वाली रोड जो आपको दिख रही है ये जाती है सोमेश्वर, और इधर राइट साइड में जो आपको रोड दिख रही है वो जाती है अल्मोड़ा के लिए। तो ये चौराहा है कोरीछीना का। आरती भानु इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि रात को इन्हें अपने पेट में बिल्कुल जगह रखी है, दो दो चीज टेस्टी वाली बनने वाली। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लंच तो किया नहीं आज, यही खाएगा, आपका पेट नहीं भरा। मैंने खाया कब था, पानी का भी जुगाड़ हो गया, अब सारी बोतल यहीं भर लिए जाएंगे। सर्दी में तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आगे पता नहीं जंगल में पानी तो मिलेगा नहीं कहीं, इसलिए पानी हमारे को चाहिए। गोलूछीना से 4-5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और यहाँ पर रुके हुए हैं इस जंगल में। देखिए चारों तरफ जंगल है, पीछे सनसेट होने वाला है, अभी भी हमें अपनी कैंपिंग प्लेस मिली नहीं है, आई होपफुली मिल जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, शाम के 5-5:30 बज चुके थे और कैंपिंग प्लेस नहीं मिली थी, और फिर उसके बाद जो जगह मिली तो वो क्या ही बात हो गई थी। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कुछ ऐसी ही जगह मिलेगी, अभी तो फ़िलहाल चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है, और अभी साथी लोग इधर उधर सर्च कर रहे हैं कहीं पर बढ़िया सी जगह मिल जाए। होपफुली अगर अंधेरा होने से पहले हमारा कैंप सेटअप हो जाए तो बढ़िया है, नहीं भी होगा तो
कोई बात नहीं, रात में ही कर लेंगे। अभी हम लकड़ियों की तलाश में निकले हुए हैं जंगल में, तो सबसे पहले हमें आज के शाम का इंतज़ाम करना पड़ेगा लकड़ियों का, और जब आग जलाएंगे उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए हमें पहले मेन जो हमारी ज़रूरत है लकड़ी। अभी बस इतना इंतज़ाम हो पाया लकड़ियों का, अभी हमें और लकड़ियाँ चाहिए। सब लोग लगे हुए हैं, कुछ टेंट सेट कर रहे हैं, कुछ ट्राईपोड सेट कर रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। और मेरी तो छुट्टी है, खैर मुझे यहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ता। शायद आज की कैंपिंग और भी शानदार और कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास कुछ नया नया इक्विपमेंट भी है। सब लोगों के लिए शायद ये नया नया ही एक्सपीरियंस होगा, मे बी जितने हम लोग हैं यहाँ पे। तो आप लोग देखिए, मज़े लेते रहिए हमारी वीडियोस से, ट्रैवलर ट्रैकर और मस्त मौला की वीडियोस देखते रहिए। दोस्तों ये है हमारी आज की कैंपिंग लोकेशन, क्या ज़बरदस्त ये हमारे टेंट हो गए हैं सेटअप। चारों तरफ है घना चीड़ का जंगल और हमारे भाई लोग यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए ये है हमारा रात का जुगाड़, अगर गर्मियों में अगर आग ना भी हो चल जाएगा, लेकिन बिना आग के सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। इन पहाड़ों में तो वैसी ठंड होती है घरों के अंदर भी, लेकिन बाहर तो बहुत ज़बरदस्त ठंड। फिलहाल हमारे भाई लोग उस साइड लकड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि इन जंगलों में ना पूरी रात अगर आपको आग रखनी हो तो लकड़ी हमें बहुत सारी चाहिए, वो भी मोटी मोटी लकड़ियाँ। यहाँ देखिए ये यहाँ पर हो रही है लकड़ियों का जुगाड़। दोस्तों सनसेट हो चुका है, अब होने वाला है धमाल, और यहाँ पर हमारे बारबेक्यू के मैरिनेशन की तैयारी हो रही है सबसे पहले। और ये हमारा बारबेक्यू इक्विपमेंट जहाँ पर हम करने वाले हैं धमाल, और इसके लिए हमें कोयले भी बनाने हैं। ये इसको आराम से मारना, ये हाथ भी छिल देता है, धमाल होने वाला है। धमाल यस सिस्टम। ये देखिए यहाँ पर चिकन मैरिनेशन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। रामू भाई जो हमारे कुकिंग के एक्सपर्ट हैं, कैंपिंग में कुकिंग तो करते ही करते हैं, उसके अलावा और भी कामों में एक्सपर्ट आगे ही रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर तो हमारा मैरिनेट होके तैयार हो गया, कुछ देर इसको और रखेंगे। अब हमें करना है कैंप फायर, ताकि हमारे कोयले भी बन जाएंगे, उसके बाद बनेगा बारबेक्यू। ये हो चुका है हमारा कैंप फायर, क्या बात है क्या बात है। सबसे पहले मिलिए हमारे रामू भाई से। ये देखिए ये हमारे कैंपिंग के खास आदमी हैं, इनके बिना तो कैंपिंग पॉसिबल ही नहीं हो सकती। वो आपने बना रखा है भाई। जी। उसके बाद हमारी कैंपिंग गर्ल आरती मैडम है, और अब यहाँ पर देखिए हमारा कैंप फायर भी हो चुका है। यही है एकमात्र हमारे रात का सहारा। और उसके बाद हमारे साथ हैं भानु भाई। ये देखिए भानु भाई के साथ पहली कैंपिंग हो रही है, और एक को और हम मिस कर रहे हैं जो हमारी कैंपिंग मेट्स थी, वो है मुस्कान। मुस्कान मैडम आप देख रही होंगी ना, कोई बात नहीं फिर ले जाएंगे दूसरी कैंपिंग में, हम चैन की नींद सोएंगे बस इनकी वजह से। ट्रेकर भी हैं, ट्रैवल एंड ट्रैकर्स, ट्रैकिंग इनकी मतलब पैसन है, खास तौर पे कुमाऊं रीजन के तो ट्रैक जिन्होंने लगभग सारे ही कर लिए हैं। तो अगर आपको भी इनकी वीडियो देखनी है तो इनके चैनल पर जाना होगा, ट्रैवलर एंड ट्रैकर्स। ट्रैवलर इनकी वाइफ आरती मैडम और ट्रैकर्स ये हैं। यस। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन भी कर लीजिए। मैं ये क्या रोटी खा रहे हैं, मडवे की रोटी? मडवे की रोटी बटर के साथ होगी। यस घर से आई है और बटर के साथ, और हमली जी के नहीं होए, दिखाना मडवे की रोटी तो दिखा दो खिला नहीं रहो। ये मम्मी ने रखी थी सुबह के नाश्ते के लिए, कल के नाश्ते के लिए, तुम अभी खा गए हैं। अरे ये तो दिखाए नहीं, इधर आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर हमारा हो रहा है आज का कुकिंग का बारबेक्यू की तैयारी होएगी। ये देखिए तभी तो कह रहे थे, आप देख रहे हो ना, आप भी पछताओगे। आ जाइए हमारे साथ कैंपिंग इसी तरह के मजे करने के लिए। देखिए ये, वाह
एकदम फाइव स्टार होटल की तरह। मजा आ रहा भाई, बटर भी लग रहा भाई साहब, क्या स्मेल जो है ना, मजा ही आ गया एकदम। भानु भाई गाने के बड़े शौकीन हैं और आवाज़ भी इनकी बड़ी सुरीली है, तो भानु भाई बॉर्डर फिल्म का एक गाना हो जाए, क्योंकि हम भी अभी घर से दूर हैं। अरे ये ट्रिब्यूट है मेरे सैनिक दोस्तों के लिए जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने घरों में। तो बॉर्डर मूवी का ये गाना संदेश से आते हैं जो मैं गाऊँगा आपके सामने। हो संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल मिलोला, भौरों का जूठा फूल न तोड़िया, मोरियों का जूठा फूल न लाया, नौनू धर्म्या खे धरती अजान ओ खचन पे ना मन की अणमील चौतरफी चिभे निर्भय परदेश मा तुम हो। फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बाता, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बाता, जून तू होली मेरी मैं जूनियाली राता, जून तू होली मेरी मैं जूनियाली राता, दगड़ चर म्यार जस जू और बाती सुवा, कभे बुझण निद्यूलो सुवा हो। दोस्तों फाइनली बारबेक्यू के बाद अब हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है। डिनर में हमने बनाया है मटन राइस, और आज का तो कैंपिंग क्या ही कहने, डांस हो गया, गाने हो गए, और उसके बाद अब ये देखिए हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है, मटन राइस रामू भाई का हाथ का। मज़ा ही आ जाता है भाई, रामू भाई के हाथ का खाना खा के तो ये सब बात है, दिल खुश हो जाता है। ये बात तो है। कैसा बना हुआ है? टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। चलो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ, और टेस्टी तो होना ही होना है, वह तो स्मेल से ही पता लग जाता है कि टेस्टी है या नहीं है। ये देखिए, वाह, एक नंबर
चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए सफर में। टिल देन बाय बाय, जबदरी जय केदार। पहले उसको पास कर।